हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस इन शी शॉप। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अनकैप्सुलेशन स्टडी किया था, अनकैप्सुलेशन शी शॉप। तो अगर आप अनकैप्सुलेशन स्टडी करना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब चैनल वेब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से जाके स्टडी कर सकते हैं। चलिए इनहेरिटेंस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है, इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग द न्यू क्लास फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास। अगर आपके पास कोई क्लास है पहले से, उस क्लास का कुछ कोड आप यूज कर सकते हैं किसी नई क्लास में, तो उस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सपोज आपके पास कोई क्लास है, उस क्लास को बनाया, आपको एक क्लास और बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो आपने एक क्लास और बनाई और आपने देखा कि जो पहले वाली क्लास है उस क्लास का कुछ कोड आप नई वाली क्लास में यूज कर सकते हैं, तो इसको हम इनहेरिटेंस के हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके सिंटेक्स हैं, इसके रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और इस काम को करेंगे। ओके फ्रेंड, आगे इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड, ये जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना प्रोजेक्ट्स नहीं बनते। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज यू टू डिफाइन ए चाइल्ड क्लास दैट रीयूजेस, एक्सटेंड्स और मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट क्लास। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या होता है, तो जो आपकी क्लास पहले से बनी बनाई उसको हम बेस क्लास कहते हैं, और जो नई क्लास होती है उसको चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है बेस क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को या बिहेवियर को। मीन्स जो पहले बेस क्लास है, जो पहले वाली क्लास है, उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, अगर उनकी ज़रूरत दूसरी वाली जो नई क्लास है उसमें जरूरत पड़ रही है, तो उसमें हम वेरिएबल्स को या फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्लास इनहेरिट कहती है उस करती है उसको चाइल्ड क्लास कहते हैं, जो इनहेरिट होती है उसको हम बेस क्लास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द क्लास हुज मेंबर्स आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड द बेस क्लास। द क्लास दैट इनहेरिट्स द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास। जैसे मैंने आपको बताया, जो क्लास इनहेरिट होती है उसको हम बेस क्लास कहते हैं, और जो क्लास इनहेरिट करती है उसको हम ड्राइव क्लास कहते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फ्रेंड चलिए एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ऑनलाइन डेमो। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन सी शार्प डॉट नेट। इसके अंदर प्रोग्राम क्लास है और मेन मेथड है। ठीक है फ्रेंड, मैं एक क्लास ऐड करता हूँ अलग से, एक क्लास ऐड करता हूँ फ्रेंड, मैं ऐड न्यू आइटम में क्लास ऐड कर रहा हूँ। क्लास का नेम होगा फुल टाइम एम्प्लॉय। क्लास का नेम है फ्रेंड फुल टाइम एम्प्लॉय। ओके, एक क्लास ऐड की है मैंने जिसका नाम है फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक प्रोजेक्ट है, सपोज किसी कंपनी का प्रोजेक्ट बनाना है तो हम एम्प्लॉय के मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। एचआर मॉड्यूल है, एचआर मॉड्यूल पे हमें काम करना है, उसके लिए मुझे क्लास की जरूरत पड़ी जिसको मैंने बनाया, और क्लास का नेम है फुल टाइम एम्प्लॉय। ओके फ्रेंड, इसमें कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग सेकेंड नेम। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, फ्लोट yearly salary, public string employee name,
तो फ्रेंड मैंने क्लास बनाई है जिसका नाम है फुल टाइम एम्प्लॉय। उसमें मैंने वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग सेकंड नेम, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम, ठीक है फ्रेंड, और फ्लोट ईयरली सैलरीज। ईयरली सैलरी होती है जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं उनके पैकेज होते हैं, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया है ईयरली सैलरी। तो इस मॉड्यूल में हमें एचआर मॉड्यूल बनाना है। एचआर मॉड्यूल में मैंने एक ली है क्लास फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है फ्रेंड। अब इंडस्ट्री में कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी काम करते हैं, तो मैं अब मुझे एक क्लास पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए बनानी पड़ेगी। तो एक क्लास और बनाएंगे फ्रेंड, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। पार्ट टाइम एम्प्लॉय में मुझे जरूरत पड़ रही है इन वेरिएबल्स की, तो मैंने वेरिएबल लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ईयरली सैलरी की जगह करेंगे हावर्ली सैलरी। जो पार्ट टाइम होते हैं उनको आवर्ली सैलरी मिलती है, जो फुल टाइम होते हैं उनको ईयरली सैलरी मिलती है, ठीक है फ्रेंड। और इनका नाम रिटर्न करने के मुझे एक और फंक्शन जरूरत पड़ रही है, ये देखो फ्रेंड, तो आपके सामने दो क्लास हैं, एक क्लास है फुल टाइम एम्प्लॉय, एक क्लास है पार्ट टाइम एम्प्लॉय। इन दोनों क्लास की जरूरत है मुझे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है फ्रेंड। अब क्या हो रहा है कि इस क्लास में भी तीन वेरिएबल हैं सेम नेम, यहां भी तीन वेरिएबल हैं सेम नेम, यहाँ भी फर्स्ट नेम सेकंड नेम डिपार्टमेंट नेम, यहाँ भी फर्स्ट नेम सेकंड नेम डिपार्टमेंट नेम, ठीक है फ्रेंड। और मेथड भी सेम है, एम्प्लॉय नेम ये वाला मेथड भी सेम है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि कोड रिपीट होता है डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट मॉड्यूल्स में, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो जैसे कि ये फुल टाइम एम्प्लॉय है, इसमें भी फर्स्ट नेम सेकेंड नेम डिपार्टमेंट नेम है, इसमें भी फर्स्ट नेम सेकेंड नेम डिपार्टमेंट नेम है, तो इनको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये बैड हैबिट होती है। अगर आप कोड को बढ़ाएंगे, जैसे कोड रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो इससे मेमोरी ज़्यादा लगेगी और एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। मेमोरी ज़्यादा लगेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट होने में। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन कोड है, उसको अलग क्लास में रखना है और फिर उस क्लास को यूज़ करना है। तो फ्रेंड देखिए क्या करेंगे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड रिपीट ना हो, रीयूज होना चाहिए। इनहेरिटेंस मतलब रीयूज, हमें बार बार यूज़ करना है, कोई भी कोड रिपीट नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में कोड यूनिक होना चाहिए। अगर आपने एक वेरिएबल भी बनाया है और वो वेरिएबल आपको बार बार नहीं बनाना है, उसकी जरूरत पड़ेगी, आप उसे रीयूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है फ्रेंड। चलिए एक अलग क्लास बनाते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्लास बनाई। एम्प्लॉय क्लास में मैंने यहाँ से उठाया वेरिएबल और यहाँ पे रख दिए फर्स्ट नेम सेकंड नेम डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ से मैंने हटा दिया, ये यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है फ्रेंड। सॉरी ये ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज इन वेरिएबल्स में आएगी, तो यहां पे आएगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ओके फ्रेंड। तो फिर मैंने क्या किया, एक अलग क्लास बना लिए, क्लास एम्प्लॉय, उसके अंदर जो कोड रिपीट हो रहा था उसको मैंने रख लिया। ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं रिपीट हो रहे थे, और यहां तक कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको भी उठा के रखेंगे, इसको भी कट करूंगा मैं। ठीक है फ्रेंड, और यहां से भी इसे हटा देंगे, ठीक है फ्रेंड। एक अलग क्लास बना ली जो कोड रिपीट हो रहा है, जो कोड रिपीट हो रहा है उसके लिए मैंने अलग क्लास बनाई जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, अब हम इनहेरिट करेंगे। अब मुझे इस क्लास में जरूरत है इस कोड की, इस कोड की जरूरत है, तो मैं इस एम्प्लॉय क्लास को फुल टाइम एम्प्लॉय में इनहेरिट करूंगा। तो फ्रेंड सी शार्प में इनहेरिट कैसे करते हैं, जिस क्लास को इनहेरिट करना है कॉलन लगाएंगे,
colon and then class name. With the help of colon, इस colon की help से हम class को inherit करते हैं. तो इस colon की help से जब हम colon लगाते हैं तो class inherit होती है. तो हमने कॉलन लिखा और क्लास का नेम, जिस क्लास को इनहेरिट करना है. तो फ्रेंड एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट हो रही है फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में. तो एम्प्लॉय क्लास क्या होगी? बेस क्लास. और फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास क्या होगी? चाइल्ड क्लास. ये आपकी, इसको हम चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, ड्राइव क्लास. तो ये फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास ड्राइव हो रही है एम्प्लॉय क्लास से. तो एम्प्लॉय क्लास बेस क्लास है और फुल टाइम एम्प्लॉयज चाइल्ड क्लास है. ओके फ्रेंड, यहाँ भी हमने यूज़ किया. अब अगर हमें यहाँ भी जरूरत पड़ी तो यहाँ भी इनहेरिट करेंगे एम्प्लॉय. तो इनहेरिट करने से, अब हमने फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया है, तो ये जो कोड है, ये कोड पूरा का पूरा कोड इस फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में भी आ जाएगा और पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास में भी इनहेरिट हो जाएगा. तो अब हम इस कोड को यूज कर सकते हैं इस फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में भी और पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास में भी. ठीक है मैडम, तो चलिए यूज करते हैं. तो हमारे पास एक मेन मेथड है, हम यहाँ पे यूज करेंगे, मेन मेथड के अंदर यूज करेंगे इस क्लास को. ठीक है फ्रेंड, चलिए. तो देखो फ्रेंड, यूज करते हैं. तो हमारे पास क्लास है फुल टाइम एम्प्लॉय. तो फुल टाइम क्लास, फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा फुल टाइम एम्प्लॉय. न्यू, तो किसी क्लास के वेरिएबल्स या मेथड को यूज करने के लिए क्या बनाते हैं फ्रेंड? ऑब्जेक्ट बनाते हैं. डॉट, तो देखो फ्रेंड एम्प्लॉय नेम एक्सेस हो रहा है, एम्प्लॉय नेम एक्सेस हो रहा है, लेकिन फंक्शन नेम एक्सेस हो रहा है लेकिन वेरिएबल्स एक्सेस नहीं हो रहे. क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स प्राइवेट हैं बाय डिफॉल्ट. तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, तो हम इनको पब्लिक बनाएंगे, पब्लिक तो फ्रेंड किसी क्लास को यूज करने के लिए उसके वेरिएबल्स को पब्लिक बनाते हैं, लेकिन ये एक अच्छी हैबिट नहीं होती. इनको हमें प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बनानी सिखाई थी. अगर आप प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं. तो फ्रेंड यहाँ पे सिखाने के लिए मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ. लेकिन हम प्रोजेक्ट में कभी पब्लिक नहीं बनाते हैं वेरिएबल्स को, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो हमने इन वेरिएबल्स को पब्लिक बना लिया, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए. तो फ्रेंड मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, देखो एक्सेस हो गया है. फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मुकेश राजपूत, फर्स्ट नेम इज मुकेश, सेकेंड नेम इज राजपूत. ठीक है फ्रेंड, मैंने असाइन किया. अब कॉल करेंगे फंक्शन को ftobj डॉट एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास करना पड़ेगा हमको. तो देखो फ्रेंड यहां पे हम पास कर सकते हैं यहां से मैं वैल्यू पास कर सकता हूं मुकेश राजपूत. ठीक है फ्रेंड, मैंने वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करा दिया उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना के, और मैंने उस मेथड को भी यूज कर लिया क्लास का ऑब्जेक्ट बना के. ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है. तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा फुल टाइम एम्प्लॉय नेम, तो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग. तो इसमें स्टोर करा लेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन फुल
फुल टाइम एम्प्लॉय नेम, ठीक है फ्रेंड। तो हमने अभी फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास को एक्सेस किया है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो देखो फ्रेंड, नोट करने वाली बात है, हमने फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया फर्स्ट नेम को। फर्स्ट नेम तो है ही नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में फर्स्ट नेम कहाँ है, है ही नहीं, केवल है फ्लोट ईयरली सैलरी, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है कोड, ये फर्स्ट नेम सेकंड नेम कहाँ से आ रहा है फ्रेंड? तो हमने इस क्लास में इनहेरिट किया एम्प्लॉय क्लास को, तो एम्प्लॉय क्लास के जितने भी वेरिएबल्स मेथड्स हैं ये सब के सब फुल टाइम एम्प्लॉय में एक्सेस हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, जिसकी वजह से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। देखो फर्स्ट नेम सेकेंड नेम कहाँ पर है, ये एम्प्लॉय क्लास में, लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हमने उस क्लास के फंक्शन को भी यूज़ कर लिया, ठीक है फ्रेंड। आप ईयरली सैलरी भी पास कर सकते हो, जैसे कि एफ टी ई ओ बी जे डॉट ईयरली सैलरी एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, पब्लिक। तो अब एक्सेस करेंगे, एक्सेस हो गया, ईयरली सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू हमने पास कर दी है फ्रेंड, ठीक है। आप इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमने देखो फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास का वेरिएबल तो यूज किया ही किया है, एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को भी यूज कर लिया। तो इनहेरिटेंस की हेल्प से हमने एम्प्लॉय क्लास को फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास में यूज कर लिया, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही हम अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास को यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पंकज डॉट सेकेंड नेम कुमार, ठीक है फ्रेंड। अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, आवरली सैलरी। तो आवरली सैलरी को एक्सेस करेंगे पब्लिक बना के, पब्लिक नहीं बनाना है फ्रेंड, प्रॉपर्टी से इंप्लीमेंट करके यूज करना है। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए पब्लिक बना रहा हूं, ठीक है फ्रेंड। आवरली सैलरी 500 रुपीज, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने पास किया वैल्यू, ओके ऐसे यूज करेंगे इसको, पार्ट टाइम एम्प्लॉय नेम यहां से भी हम यूज कर सकते हैं और यहां से भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सेस करेंगे, पार्ट टाइम एम्प्लॉय नेम पीटीई हम पास करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमने पार्ट टाइम एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया था, जिसकी वजह से हम एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल्स को मेथड्स को यूज कर पा रहे हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास के अंदर, ठीक है फ्रेंड। तो देखो क्लास जो इसको फ्रेंड इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस बोलते हैं कि जो जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन कोड होता है, उसको हम अलग क्लास में ले लेते हैं, उस क्लास को हम जिस क्लास में उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको इनहेरिट करते ले आते हैं और यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो हमने फुल टाइम एम्प्लॉय क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास से वेरिएबल्स को एक्सेस किया, वैल्यू असाइन की,
और हमने फंक्शन को भी यूज़ किया, फंक्शन हमने एक्सेस किया ऑब्जेक्ट से, ऐसे ही पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके वेरिएबल्स को यूज़ किया और हमने फिर उसको एक्सेस किया। अब इसको रन करते हैं फ्रेंड, पहले बिल्ड कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल करेंगे कोड को। कोड कंपाइल हो रहा है फ्रेंड, ओके सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब इसको रन करेंगे, तो देखते हैं आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है नहीं आता है, परफेक्ट। फुल टाइम एम्प्लॉय नेम, पार्ट टाइम एम्प्लॉय नेम, ठीक है फ्रेंड, आपके सामने आउटपुट है। तो इस तरह से इनहेरिटेंस की हेल्प से हम कोड को रीयूज करते हैं। हमें कोड को बार बार लिखना नहीं होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको कोड को बार बार नहीं लिखना है, आपको हर एक कोड को सिर्फ एक बार लिखना है, और अगर उसको आपको जरूरत पड़ी है उसी कोड को बार बार लिखने की तो आपको लिखना नहीं है, आप उसको रीयूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। आई होप आप